हेलो फ्रेंड्स, श्रुति डांस स्टूडियो में आपका स्वागत है। डांस में पैरों के मूवमेंट और हाथों के एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दोनों को मिला के ही आपका डांस बहुत अच्छा बनता है। मैंने आपको इससे पहले के वीडियो में पैरों के स्टेप्स बताए थे जो बहुत ही बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। उसी में मैं आपको आज हाथों के कुछ एक्शन बताऊंगी जो कि आप अगर सीख लेंगे तो आप उनको किसी भी गाने में यूज करके डांस कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मैं हर हफ्ते डांस के ही वीडियोस लेके आती हूँ जिसमें मैं आपको इजी वे में डांस सिखाने की कोशिश करती हूँ। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, ये आपके हाथ है, आपको हाथों को ऐसे खोलना है। एक हाथ को थोड़ा सा ऊपर रखना है, एक हाथ को उससे थोड़ा सा नीचे रखना है। अब अपने हाथों को सिंपल आपको ऐसे और ऐसे करना। एक बार आप हाथ को ऐसे, दोनों हाथ को बैक साइड को करिए, फिर पलट दीजिए ऐसे। कलाइयों का इसमें ज्यादा इस्तेमाल है। यहां से आप जितने आराम से इसको ऐसे पलटेंगे उतना ये अच्छा लगता है। यानी 1 2 3 4, यही चीज आपको दूसरी तरफ करनी है। 1 2 3, बस ऐसे 1 2 3 4। देखिए आप पैर का मूवमेंट करेंगे, यानी 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि हाथ को नीचे से ऊपर तक लाइए 4 काउंट्स में, यही चीज करते हुए, यानी 1 2 3 4, फिर वापस नीचे ले जाइए 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब यही चीज आप पैर के हल्के से स्टेप, आप डिपिंग का भी एक्शन कर सकते हैं, यानी इसके साथ में, या सिंपल जो आपको मैंने बताया था पैर को बस हिट करना है और कमर चलानी है, दोनों के साथ में आप ये चीज कर सकते हैं। किस तरह 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये डिपिंग के साथ। अब अगर नॉर्मल आप पैर चला के भी ये एक्शन कर सकते हैं, यानी कि 1 2 3 4, 1 2 3 4। इधर से देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4। आपको हाथों को ऐसे खोलना है, क्रॉस करना है, खोलना है, क्रॉस करना है, ये बस हाथों को अलटते पलटते हुए यूं, फिर खोल दीजिए ये, और इसी में हाथों को ऊपर ले जाइए ये करते हुए, और फिर नीचे ले जाइए। बस यही चीज करनी है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये बेसिक इस तरह के जब आप हाथों को अलटना पलटना कलाई से घुमाते हुए करते हैं तो उससे हाथों के एक्शन बहुत अच्छे लगते हैं। अब इसमें एक एक्शन है कि आपको हाथ को नीचे से लाके कंधे पे रखना है। ऐसे भी रख सकते हैं, अंगूठे को भी रख सकते हैं, दोनों तरह से। ये थोड़ा राजस्थानी स्टाइल का स्टेप है। यूं करके यहां रखना है, फिर दूसरे हाथ को भी इधर लाना है, और ये बस फिर ऊपर नीचे करना है कंधों को। 1 2, तो 1 2 3 4, 4 बार। 1 2 3 4, 1 2 3 4। आप ये करते हुए सर्कल भी ले सकते हैं। यहाँ पे हाथ रखिए और डिपिंग का एक्शन करते हुए एक चक्कर ले लीजिए। 1 2 3 4। उल्टा चक्कर भी ले सकते हैं। 1 2 3 4। मैंने आपको जो लेग मूवमेंट बताया था कि पैर आगे और पैर पीछे रखना है, उसके साथ में भी आप बहुत सारे हाथों के स्टेप्स बना सकते हैं। मैं आपको 2-3 स्टेप्स बताती हूँ। पहला सबसे इजी, सिंपल आपको अपने एक हाथ को, जो पैर आपका नहीं मूव हो रहा है उस हाथ को आपको सिंपल यूं ऐसे करके यूं, और बस जो पैर आप आगे पीछे कर रहे हैं उसी के साथ आपको हाथ को भी साथ में लाना है, यानी 1 2, और इसको बस हल्का सा ऊपर नीचे करते रहेंगे एवरी टाइम, यानी 1 2 3 4। बस इस हाथ को थोड़ा सा ऊपर नीचे करते रहिए और पैर के साथ में हाथ को भी लाते रहिए आगे पीछे। बस आप एक और एक्शन कर सकते हैं। जो हाथ आपका सीधा है उस हाथ पे आप अपने कंधे पे ऐसे हाथ रख लीजिए। बस अब इस हाथ को ऐसे लहराते हुए आपको एक्शन करना है पैर के साथ, यानी 1 2 3 4, 1, बस लहराते हुए 2 3 4, सिंपल। और भी बहुत सारे स्टेप्स हाथों के आप बना सकते हैं। एक बार ऐसे झटके से इधर ले जाना है और फिर नीचे भी वही चीज करनी है। 1 2 3 4, एक साइड में दोनों हाथों को ऐसे ले जाना है झटके से। 1 2। अब ये स्टेप आप पैर या तो आप डिपिंग करते हुए भी कर सकते हैं। किस तरह 1 2 3 4, या आपको मैंने जो मूवमेंट बताया था कि आपको पैर को ऐसे हल्का सा किक करना है, उसके साथ भी स्टेप बहुत अच्छा लगता है। यानी 1 2 3 4 इधर से भी आप कर सकते हैं, जिस साइड पैर जाएगा उधर ही आपको हाथ को ऐसे मूव करना है। यानी 1 2 3 4 सिंपल आपको अपने हाथों को इधर ले जाना है और इधर ले जाना है, बस हाथों को इधर इधर ऐसे स्विंग कराना है। ये जब पैर जाएगा साइड में तभी हम हाथों को ले, यानी 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 पैरों के स्टेप्स मैं वही बता रही हूं जो मैंने इससे पहले वीडियो में बनाए, उसी के ऊपर मैं हाथों के एक्शन आज आपको बता रही हूं। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 आप ऐसे लहराते हुए भी हाथ कर सकते हैं मुट्ठी की बजाय। 1 2 3 4 1 2 3 4 प्लीज आप हाथों को ऊपर करते हुए भी कर सकते हैं, ऐसे वेव करते हुए। यानी 1 2 3 4 1 2 3 4 ये वाला स्टेप। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, एक हाथ आप कमर पे रख लीजिए, कोई भी हाथ, और बस दूसरे हाथ को ऐसे ऐसे पीछे खींचते रहिए, यूं। बस यही एक्शन करिए जब भी आप पैर को पास में लाइए। 1 2 3 4 भांगड़ा स्टाइल। 1 2 3 4 इस साइड से भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 आप चाहे तो दोनों हाथों को हवा में रख के ऐसे ऐसे कर सकते हैं। 1 2 3 4 क्रॉस लेग, यानी कि ऐसे ऐसे क्रॉस आप जब पैर को चला रहे हैं, ये वाला एक्शन। इसमें तो सबसे ज्यादा इजी भांगड़े के स्टेप ही है कि आपको बस ये करते रहना हर बार। यानी 1 वापस 2 बार, 3 4 हर बार पैर का जैसे ही आप मूवमेंट करेंगे काउंटिंग पे आपको 1 2 3 4 बस ये करना है। चाहे तो ऐसे कर लीजिए, चाहे तो ऐसे सिंपल हाथ करिए, या ऐसे बना लीजिए हाथ, जो आपको इजी पड़े। 1 2 3 4 और हल्का सा कंधों को भी बाउंस दीजिए, हल्का सा, जैसे ऐसे झटके से आप हाथ भी खींच रहे हैं, साथ में कंधों को भी हल्का सा उठाइए। 1 2 3 4 1 2 3 4 बताए हैं, इनकी आप प्रैक्टिस करिए। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, और मैं इसी तरह से इजी वे में आपको घर बैठे डांस सिखाने की कोशिश करती हूँ। इस वीडियो को शेयर करिए अगर आपको अच्छा लगा है तो। फिर मिलेंगे, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।